पीएम मोदी से कपिल शर्मा ने की मुलाकात, सोशल मीडिया पर कही ये बात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई पहुंचे। मुंबई में पीएम मोदी ने नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया। इस दौरान जहां कई टीवी स्टार्स और बॉलीवुड सितारे मौजूद रहे, इस मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय सिनेमा और उसके बदलते रूप पर भी बातें की। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने सिनेमा के बारे में कहा कि हमारी फिल्मों में मानवीयता की भावनाओं को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, बात चाहे फन पैदा करने की हो या फैन बनाने की है, हम हर जगह आगे हैं। आज युवा अगर बैटमैन का फैन है तो बाहुबली का भी फैन है। इस मौके पर भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा भी मौजूद रहे। कपिल शर्मा ने यहां पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई है। फोटो शेयर के साथ साथ कपिल ने अपने मन की बात कह डाली। कपिल ने पीएम के सेंस ऑफ ह्यूमर की भी तारीफ की। कपिल ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिल्म इंडस्ट्री और देश के बारे में आपकी प्रेरक और विचारशील बातों को सुनकर काफी अच्छा लगा। सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है। आपको बता दें कि करीब एक साल बाद कपिल शर्मा ने एक बार फिर से अपने शो द कपिल शर्मा से पर्दे पर वापसी की है। दिसंबर के आखिरी में शुरू हुआ कपिल का शो इन दिनों खूब टीआरपी बढ़ा रहा है। कपिल शर्मा को ऑडियंस का बेहिसाब प्यार मिला है। कपिल का शो टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, जबकि कई पॉपुलर टीवी शो कपिल के शो से मात खा गए हैं। कपिल शर्मा के शो को 35.5 पॉइंट्स मिले हैं। वहीं नागिन 3 शो 33.3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। कसौटी जिंदगी की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। एनालिस्ट गिरीज जौहर ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है।